नमस्ते, आप श्री कृष्णा, आप सब कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। और इस वक्त सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और वहाँ से तो सो रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ पूजा करने। उसके बाद तो नाश्ता बनानी है, उसके बाद मैं आप सबसे बात करूँ। तो मैंने सोचा क्या, चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ यहीं से। तो मैं पूजा करके और नाश्ता बना कर आती हूँ, तो आप सबसे बातें करती हूँ। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ जी, तो इस वक्त ना मैं कर रही हूँ नाश्ता। मैंने आज बनाया है पराठा। मतलब पराठा तो माँ बनाई है, और मैंने बनाया है दाल चने की। मतलब चने की मीठी दाल जो होती है ना, वही। तो मैं अब करूँगी नाश्ता, और जेठ जी भी चले गए अपना पूजा पाठ करके, नाश्ता वास्ता ले करके। और मैं देखूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ, टेस्ट करके खुद बताती हूँ। अच्छी तो बनी, पर खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अब जब कोई खाकर बोले वो ज़्यादा अच्छा है, पर अच्छी बनी है जी। तो मैं इस वक्त ना वेजिटेबल चॉप की हूँ, पता है किस लिए? क्योंकि मैं मैगी बनाऊंगी। और यहाँ पर प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, हेयर कॉम। कुछ बोलना है आपने? नहीं। हाँ, मतलब वो अपना हेयर कॉम करने में बिजी है, तो इनको भी कुछ नहीं बोलना है, कुछ ज़्यादा बिजी है। उसके बाद वो करेंगे पूजा। पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वेजिटेबल जो चॉप किया अभी, ये मैंने अभी चॉप किया है। ये थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी इसका मैगी, और इसमें मटर भी ऐड करूंगी। तो मटर को छिल के रखी हुई है, तो आज बनाऊंगी फ्राई मैगी, वेजिटेबल फ्राई मैगी। अभी पति बिजी है, पता नहीं किसी में बिजी है, पर बिजी है। कभी इंसान ऐसे ही बिजी हो जाता है, तो वही करना है क्या? करना है क्या? No, I don't want to. हाँ, क्या क्या नाराज है क्या? किसी का मुंह फूला हुआ है, फूले रहने दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, जब इनका पूजा पाठ हो जाए तो उसके बाद मैं बनाऊंगी फ्राई मैगी और खाऊंगी दबा के। और अभी सोच रही हूँ मम्मी से बात नहीं हुआ है, मम्मी को एक बार फोन कर लेते हैं। फोन तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बस मम्मी ने चलो टॉप टॉप में को दिखाई दिया था, और मैं बिल्कुल फ्राई कर रही हूँ, और ये सब चल रहा है। जैसे जो बनाते मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो मेरी मैगी, वेज फ्राई मैगी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर माँ खा रही है जो मैंने दाल बनाई थी सुबह में, वही। तो इस वक्त हम और माँ हैं, हम दोनों का लंच टाइम। आज लंच पता यही हुआ, 4:30 बजे 4:30 बजे। मतलब कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि मतलब माँ का टाइम होता है 4 बजे, 4:30 बजे। मेरा टाइम तो दोपहर का रहता है 1 या 2 बजे, लेकिन वो मेरा टाइम थोड़ा चेंज हो गया, मतलब आज का सडनली। आज मैं भी लेट करी, सडनली क्या, कभी कभी हो जाता है। मेरा भी माँ के टाइम ही लंच चलता है, और मेरा भी वही नूडल्स ही चल रहा है। चावल खाया भी नहीं मैंने, तो नूडल्स ही चल रहा है। तो मैं देखूँ कि नमक वमक सब ठीक है कि नहीं। पूरा ड्राई हो गया माँ, गरम नहीं मतलब पानी थोड़ा सा भी नहीं रहा, पूरा एकदम फ्राई ही हो गया है। मैगी तो अच्छी बनी है, मैं अपने मुंह से क्या ही तारीफ करूं, पर अच्छी बनी है। गाइस, काफी देर बाद हमारा दीदार हुआ है आप लोगों को। Because I was busy in my work. वॉइस को तेज करिए। I was busy in my work, you know. तो क्या मुझे बोलना पड़ता है अभी कि आप काम मेरे से मिला ब्लॉग में है थोड़ा आओ? छुट्टी, ये बना रही है अभी रोटी, आलू सोयाबीन की सब्जी। आलू और सोयाबीन की सब्जी बन रहा है, बन के खा लेंगे।
और खाने के बाद पोल उल्टा के सो जाएंगे रोज की तरह जो हम लोग करते हैं। क्लोजअप देकर ये रहा सब्जी, आज आलू सोयाबीन की सब्जी बनी है। ये रहा सब्जी, मैं कैमरा क्यों किया ना, हम लोग बन जाता है उसके बाद खाएंगे। यहाँ पर मेला लगा है, मुझे भी नहीं मेला डिसाइड करेंगे ठीक बना है कि नहीं बना है। ठीक ही बना होगा। We'll back after some time, you know. बस इतना के लिए आती हूँ। एडिट नेक्स्ट डे हो गया है और मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे सभी वीडियोज़ को देख के एंड प्यार देते रहें, तभी तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, तभी तो हमें खुशी मिलेगी, तभी हम रोज़ के रोज़ वीडियो टाइम टू टाइम डालेंगे और आप सभी के लिए लेकर के आएंगे सारे वीडियोज़। और मेरे कॉमेडी वीडियोज़ जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं ना वो भी प्लीज़ कॉमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।